जय धर्मेश मैं चित्रंजन राव शरणा समाज क्यों बिखर रहा है मैं तमाम शरणा समाज शरणा धर्म को मानने शरणा समाज के बारे में चर्चा करने वालों से मैं आपस में बातचीत करने के उद्देश्य से मैं ये एक विचार रख रहा हूँ कि सरना समाज क्यों बिखर रहा है आज हमें बहुत ज़रूरी है कि सरना समाज को हिफाजत और जो बिखराव हुआ है या हो रहा है इसके लिए लगातार हमको अच्छे काम करते रहना होगा और बिखराव और भटकाव का जो कारण है उस कारणों का भी कारण ढूंढना होगा कारणों का कारण ढूंढना होगा मतलब हमको चार या पांच प्रकार के कारण क्या कारण क्या कारण और क्या कारण है इसका बार 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 हम फिल्टर करके हमको कारणों का कारण ढूंढना होगा वहाँ हम लोग को काम करना होगा वहाँ हमें वर्क करना होगा और हम ऐसे काम करने का प्रयास करेंगे जिससे कि बीस परसेंट हम वर्क करेंगे बीस परसेंट काम करेंगे और समाज के लिए अस्सी परसेंट अस्सी परसेंट समाज के लोगों को और समाज में लाभ हो हित हो मतलब सहजता के साथ में हम लोग समाज के लोगों को संदेश दे सकते हैं बता सकते हैं तो मुझे ऐसा लगा कि चलो हमें इस बात पर चर्चा करते हैं तो मुझे कुछ कारण इस तरह से लगता है कि हम लोग का जो सरना समाज है इस सरना समाज या सरना जो धर्म है हम सभी लोगों में अपने धर्म के प्रति अपने धर्म के प्रति अपना सरना धर्म के प्रति अपना सरना स्थान के प्रति सरना स्थल के प्रति हमारे जो सोच है उस सोच को क्या कर दिया गया है कि दूर कर दिया गया है काफी दूर कर, कर दिया गया है मतलब सरना में हमारा सब कुछ है सरना में हमारा तमाम चीज है सब कुछ है सरना में और उस सरना से ही हम लोग आज बहुत संख्या में मतलब सभी लोग कहीं एक तरह से पीठ दिखा चुके हैं में हमको जाना अच्छा नहीं लगता सरना में हम जाते नहीं है सरना पुजारी या सरना कहलाना अच्छा लगता है सरना पूजा करते हैं कहलाना अच्छा लगता है लाभ के लिए लेकिन सरना में जाना हमें अच्छा नहीं लगता सरना में हम जाते नहीं हैं तो हमें क्या क्या कर दिया गया है वहाँ से पीठ पीठ दिखा दिए हम लोग और अपना सरना धर्म का जो हम लोग पूजा करना चाहिए प्रार्थना करना चाहिए विनती करना चाहिए और भजन करना चाहिए वहाँ पर हम लोग विनती भजन नहीं करते हैं और वहाँ पर हम लोग अच्छा माहौल बनाने का प्रयास नहीं किए तो हम लोग अपना धर्म से हम लोग पीठ कर लिए हैं इसके वजह से भी हम लोग का समाज आगे नहीं बढ़ रहा है और दूसरा सबसे बड़ा मुझे कारण लगता है कि कहते हैं कि जिस समाज को बर्बाद करना है या जिस समाज को मतलब खराब करना है तो वहाँ या उस समाज की जो महिलाएं हैं उस महिलाओं को धर्म कर्म करने मत दो मतलब धर्म से हटा दो उसी प्रकार से आज हम लोग का जो बहन लोग हैं उनको सरना में जाने से मना कर दिया जाता है ये एक दिन या हमारे और आपके साजिश नहीं है पहले जो था शुरुआती दौर में देखा जाए या हम लोग को बिनती भजन के माध्यम से ये हम लोग कहते हैं कि नमा आलर मतलब हम लोग का जो पूर्वज थे सदा पूजा सदा विनती भजन प्रार्थना था पर धीरे 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 हम लोग का क्या किया हम लोग का पूजा पाठ करने में कुछ अशुद्धता आई इसीलिए हम लोग क्या करने लगे अपना सरना धर्म के प्रति या अपने सरना में जाना हम लोग आ, कम कर दिए और हमारे जो बहन लोग जाती थी हमारी जो महिलाएं जाती थी उस महिलाओं को हम लोग मना कर दिए अब महिलाओं को मना कर दिए क्योंकि समाज को संभालने वाली या समाज को हिफाजत करने वाले ही होती है और उनको जब हम लोग धर्म या अपने धर्म कर्म नहीं करने दिए तो हमारी बहुत यमला घर घर कहिए एक तरह से घर घर कहिए तो हम लोग अपना सरना का पूजा अपना सरना का प्रार्थना अपना सरना का आ, जो गुणगान गान करना चाहिए वो गण गान नहीं करके हम लोग एकदम बिल्कुल भी दूसरे या अन्य धर्मों की तरफ हम लोग मुख कर लिए और अन्य धर्म की तरफ चले गए कोई किसी धर्म के तरफ चले गए कोई किसी देवी देवता को अपना लिए कोई किसी देवी देवता को अपना लिए कोई किसी देवी देवी देवता को अपना लिए कोई कुछ मान रहा है कोई किसी का पूजा पाठ कर रहा है किसी को कुछ न कुछ करना शुरू कर दिए पर हमारे वास्तविक धर्म जो सरना माँ है चाला माँ है इस चाला माँ से हम लोग बहुत दूर चले गए अभी हम लोग माँ या में लाने का प्रयास कर रहे हैं तो उनके उनको बहुत दर्द हो रहा है बहुत पीड़ा हो रहा है बहुत परेशानी हो रही है क्योंकि वो बरसों से बना हुआ है, एक अंदर से एक सोच और विचार बन गया है उस विचार और सोच को तोड़ना या हटाना इतना आसान नहीं है क्योंकि घर घर में तो हम लोग का देवी देवता वगैरह का फोटो है चित्र कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ की देवी देवता का फोटो वगैरह नहीं है पर अपना शरणा माँ का जो देवी देव शरणा माँ का जो बोलते हैं वो धर्मेश से है उस धर्मेश का अगर किसी ने फोटो वगैरह रखते हैं या आ, कुछ इस प्रकार से रखते हैं उसको बचाने और हिफाजत करने के लिए शरणा धर्म के लिए जो काम किए उनके प्रति अभी जो नेगेटिव देखने वाले व्यक्ति कहते हैं कि सरना फोटो वगैरह नहीं होना चाहिए वो हम लोग का प्रकृति के अनुसार नहीं है पता नहीं क्या क्या बोलते हैं लेकिन कैसे भी हम लोग का सरना समाज और सरना धर्म का जो एक धर्म बचा होना चाहिए उस धर्म को बचाने के लिए कोई अगर पूजा कर रहा है कोई प्रार्थना कर रहा है अगर फोटो भी रखा हुआ है सरना में फोटो भी रखा हुआ है जिससे आने वाला दिन में हम लोग का अपना सरना धर्म के प्रति अपने सरना की तरफ झुकाव होगा अभी बहुत सारे लोग आ, घर घर में रखे हुए हैं उनके प्रति तो हम लोग बोलते नहीं हैं उनके प्रति हम लोग विचार नहीं करते हैं और उनको हमको रोकने की हिम्मत नहीं है लेकिन अगर किसी ने सरना माँ का फोटो रख ली किसी ने सरना माह का चित्र रख ली तो हम लोग टोका टोकी में बहुत जल्दी आ जाते हैं तो हम लोग को अपना समाज के प्रति अपने समाज में अच्छा माहौल तैयार करने के लिए ये टोका टोकी ज़्यादा नहीं करना है और कैसे हम लोग सरना में हम सारे पूरा सरना समाज और सरना परिवार के लोग आए इस पर हम लोग ज़्यादा फोकस और ज़्यादा हम लोग को काम करने की आवश्यकता है मुझे ऐसा लगता है और अगला मैं सबसे बड़ा कारण ये कहेंगे कि हमारे जो समाज है समाज में एक प्रकार से कहा जाए तो हम लोग कर्म में ध्यान बहुत ज्यादा दिए और धर्म को छोड़ दिए जैसे अभी कर्मा आ रहा है ये कर्मा जो त्योहार है कर्मा संकेत क्या कर रहा है कि जब से इंसान जन्म लेता है तब से कर्म और धर्म दोनों ही साथ लेके आता है ताकि दोनों अच्छा सर पवित्रता पवित्रतापूर्वक हो जिसने धर्म को छोड़ दिया समझ लिए वो बेधर्मी हो गया उस परिवार उस समाज में बेधर्मी होगा और बेधर्मी होने के नाते वो मनमानी करेंगे और मनमानी हरकत करेंगे और वो किसी का भी आदर नहीं करेंगे सम्मान नहीं करेंगे छोटे बड़े का किसी का लाज लिहाज नहीं रहेगा वो अपने हिसाब से चलेगा किसी के साथ में किसी का कोई तालमेल नहीं रहेगा अब हम लोग को पहले तो हम लोग पढ़ाई लिखाई नहीं किए थे लेकिन आज पढ़ाई लिखाई करके हम बहुत एजुकेटेड हुए कोई डॉक्टर है इंजीनियर है बहुत बड़े बड़े पद में हम आदिवासी शरणा समाज के लोग भी बहुत हैं लेकिन अभी तो हमारा संगठन होना चाहिए अभी तो हमारा एकता होना चाहिए अभी तो हमारा एक तरह से समाज के लिए बेहतरीन काम होना चाहिए लेकिन अभी भी नहीं हो रहा है तो इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग का ये भी सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग पढ़ाई लिखाई तो कर रहे हैं हम लोग काम तो रात ना दिन भौतिक वस्तु या संसारिक चीज़ में जो मौज मस्ती या खाने पीने या अपने घर गृहस्थी अपने जो संसारिक चीज़ को प्राप्त करने के लिए सुख को प्राप्त करने के लिए तो हम लोग दिन रात कर रहे हैं पर इसमें पवित्रता हो इसमें शुद्धता हो इसमें अच्छाई हो इस अच्छाई के प्रति इस अच्छाई के प्रति और अच्छाई हो इसके लिए हम लोग को धर्म को भी लेके चलना बहुत जरूरी है यह हमारा कर्मा जो अभी त्योहार है कर्मा जो 29 तारीख को होने वाला है इसमें ये हम लोग को सभी को बताना चाहिए कि हमकारा जो कर्मा है ये हमें संकेत कर रहा है कि हमको कर्म करते करते धर्म को भी नहीं भूलना चाहिए धर्म सबसे ऊंचा फिर कर्म जब धर्म को हम आगे रखेंगे कोई भी काम करने से पहले हम विनती करेंगे भजन करेंगे सरनामा का हम नाम लेंगे धर्मेश का नाम लेके जब हम कर्म करने लगते हैं तो पवित्रता आती है और ईमानदारी आती है सदाचारी आती है लोभ नहीं आएगा लालच नहीं आएगा बेईमानी नहीं आएगा मतलब एक तरह से हम लोग एक शुद्ध और पवित्र काम करने लगेंगे जिसमें कि अपना कल्याण होगा और समाज का कल्याण होगा और देश का कल्याण होगा और पूरा मानवता का पूरा इंसान का कल्याण होगा तो ये मुझे ऐसा लगा तो इसका भी कारणों में और कारण हो सकता है आपको भी लगता है कि यहाँ पर हम लोग को समाज में चुक हुआ है तो मैं ये तीसरा कारण बता दिया हूँ तीन कारण मैंने बताया है इस तीनों कारणों में आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स करके बताना ताकि मुझे भी ऊर्जा हो और समाज को आज दिशा देने की ज़रूरत है आज समाज में बहुत सारे काम हो रहे हैं बहुत सारे तरह तरह के लोग काम कर रहे हैं पर समाज में एक दिशा देने का काम आज हम सभी को करना है कि दिशा दीजिए दिशा दीजिए तो हम एक दिशा देने का काम करेंगे मैं इतना ही बोल के अपने बातों को समाप्त करता हूँ जय धर्मेश जय धर्मेश जय धर्मेश